You are watching Poonch Live. पिशावर में कत्लेआम बंद करो, बंद करो। पिशावर में कत्लेआम बंद करो, बंद करो। दहशतगर्दी बंद करो, दहशतगर्दी बंद करो, दहशतगर्दी बंद करो। आईएसआईएस मुर्दाबाद, आईएसआईएस मुर्दाबाद, आईएसआईएस मुर्दाबाद, दाइश मुर्दाबाद, दाइश मुर्दाबाद, दाइश मुर्दाबाद। तकबीर दहशतगर्दी बंद करो, दहशतगर्दी बंद करो, दहशतगर्दी बंद करो, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, दाइश दाइश मुर्दाबाद, दाइश दाइश। मैं मौलाना सैयद ज़हूर हुसैन नकवी हूँ, इमाम जुमा जमात अली शिया मस्जिद पुंछ। और हमने यहाँ पर पाकिस्तान में पेशावर इलाके में किए गए दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत के लिए एक यहाँ पर एहतजाज रखा था, जिसमें हमने बार बार देखा है कि पाकिस्तान हुकूमत जो है इस तरह के दहशतगर्दाना हमलों को रोकने में या उनका इंसदाद करने में नाकाम हो रही है। और हम यहाँ पर आपके इस चैनल के माध्यम से पाकिस्तान हुकूमत की सख्त तरीन मजम्मत करते हैं और अपनी हुकूमत हिंदुस्तान से ये अपील करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि वो पाकिस्तान को अपने पॉलिसी के ज़रिए से, अपने ज़रिए से जो है ये पैगाम पहुँचवाए कि वो दहशतगर्दाना हमले करवाना और दहशतगर्दी से फ़ायदा उठाना छोड़ दे। वो हुकूमत जो है ज़ालिमों के बलबोते पर नहीं चलती और मजलूम का खून एक दिन रंग लाता है, लिहाजा हम यहाँ पर पुरजोर तौर पर मजम्मत करेंगे हर उस दहशतगर्द की, हर उस आईएसआईएस दाइश और अमेरिका और इसराइल जैसे दहशतगर्द मुल्कों की यहाँ पर पुरजोर मजम्मत करेंगे कि जो मजलूमों का इस तरीके से खून चूसते हैं। और ख़ास तौर से शिया की इस वक्त जो है पूरी दुनिया में टारगेट किलिंग और पाकिस्तान में बिलखसूस पेशावर में जो बार बार टारगेट किलिंग हो रही है, उसको यहाँ पर हम अपनी हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि उसका इंसदाद करवाया जाए। कार अहमद बज़मी, एडवोकेट सोशल वर्कर डिस्ट्रिक्ट पुंछ। आज अंजुमन जाफरिया पुंछ के ज़ेरे आत्माम यहाँ पर जो कल पाकिस्तान में पेशावर में जो है खुदकश हमलावर लोगों ने मस्जिद के अंदर जुमे के रोज़ हमला किया, जिसमें कम से कम 60 लोगों की जान गई है और दर्जनों लोग उसमें ज़ख्मी हुए हैं। और ये टारगेट किलिंग जो उसमें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ही मोतबर और बुज़ुर्ग हमारे ज़ोमा और उल्मा वहाँ पर मौजूद थे। और ये टारगेट किलिंग पहली बार नहीं हुई है, जब भी पाकिस्तान में कोई इवेंट होने वाला होता है या जब भी रमज़ान का महीना या मुहर्रम का महीना आने वाला होता है तो उसमें इस तरह की जो है टारगेट किलिंग्स वहाँ की जाती हैं। हम हिंदुस्तानी अमन पसंद लोग, अमन फैलाने वाले लोग पाकिस्तान को ये बावर कराना चाहते हैं कि जिस आईएसआई, जिस दाइश ग्रुप को लेकर वो ये आत्मघाती हमले करवा कर टारगेट किलिंग करवा रहे हैं, हम उनको वार्न कर रहे हैं। और हम आज के दिन, हम हिंदुस्तानी होने के नाते इस हमले की पुरजोर मजम्मत करते हुए हुकूमत हिंद से ये गुजारिश करते हैं कि जितने भी सफारतखाने पाकिस्तान के हिंदुस्तान में हैं उनसे अपना रिलेशन मुनक़ता किया जाए, एम्बेसीज़ को बंद किया जाए, क्योंकि हमने कई बार कोशिश की है कि पाकिस्तान के साथ हम अपना दोस्ताना तल्लुक कायम करें, लेकिन वो इस के जो है मुस्तहिक नहीं है। लिहाजा हमें चाहिए कि ऐसे लोग जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं उनसे हम अपना रबता और वास्ता ख़त्म करें। हम एक बार फिर इस जो सानिया है उसकी कड़े ज़ोर से मुजम्मत करते हैं। ज़ार हुसैन अलाज ज़ार हुसैन, चेयरमैन अंजुमन जाफरिया पुंछ। हम ये यहाँ पर इस गर्दोगाह से इकट्ठे हुए हैं जो कल पाकिस्तान में वहशियाना जो नमाजियों पर हमला हुआ है और जो कि हमें न छेड़ो, हमारी जबान जबाने कज़ा करेगी, जहाँ जहाँ तुम जुल्म करोगे वहाँ वहाँ करबला होगी। लिहाजा हम गवर्नमेंट हिंदुस्तान से इस्तदआ करते हैं कि ये हमारा एहतजाज जो बॉर्डर के नज़दीक हमने किया है
वो पाकिस्तान हुकूमत तक पहुँचा दें और हम इस चीज़ की बगैर किसी मजहब मिलत मजम्मत करते हैं। ये कोई सुन्नी शिया मसला नहीं है, ये इंसानियत का कत्ल है और ये नहीं होना चाहिए।